वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं। जो 2024 का जो टोटल 53 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसका सेट नंबर 8 होने वाला है। और ये पेपर जो है 21 फरवरी को 4 शिफ्ट में हुआ था। और ये सभी पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, स्टेनो का हो, सीपीयू का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये आपको जो है रीजनिंग में स्पीड बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि मैं बकवास नहीं करता हूँ। टोटल आपको 10 से 12-15 मिनट में खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कटअप जो है कितना बढ़ रहा है जीडी का। इसलिए जो है आपको क्विक रिवीजन करना पड़ता है। अगर अपना स्पीड नहीं बढ़ाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए जो है रीजनिंग को कम से कम समय में कर लीजिए। उसके बाद बचा जो टाइम वो है मैथ में लगाइए, जीएस में लगाइए। और जीएस तो आप मान लीजिए कम समय में हो जाता है, हिंदी भी कम समय, लेकिन जो आपको बचेगा टाइम जो है सभी मैथ में लगा सकते हैं। इसलिए जो है आपको रीजनिंग जो एकदम फास्ट सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार जो है टोटल जो जीडी के 2024 के जितने भी टोटल 53 शिफ्ट के हैं ये सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। साथ में जीएस का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हिंदी का जो बचेगा वो भी आपको करा दिया जाएगा। इसलिए चैनल्स के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। पहले कहा गया, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। लड़की का राखी से हमें संबंध बताना है। सबसे पहले देखिए, इसको माइंड में आपको सोचना है, सोचिएगा तभी इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। पहले देखिए, एक लड़की की तस्वीर, यानी एक लड़की की तस्वीर मान के चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, ये गर्ल है, ठीक है। उसको बोला गया, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, यानी कि राखी यहाँ पर होगी, इसको इशारा करते हुए राखी कहती है, वह मेरे पति, यानी इसका पति कोई होगा, यानी इसका, इसको हस्बैंड के यहाँ पर एच से लिख लेते हैं और इसका प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल को माइनस है और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, और ये दोनों जो पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है, मेरे पति की पत्नी की बेटी, यानी इसका पति तो यही है और इसका पत्नी तो ये होगा, यानी पत्नी की बेटी, इन दोनों की बेटी कौन हो जाएगी, यानी इन दोनों की बेटी यही होगा, यानी इसकी बेटी जो है ये गर्ल, ये में तस्वीर में दिया गया है, यानी कि लड़की का राखी से क्या संबंध होगा, वह उसकी बेटी हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको माइंड में सोचना पड़ता है, और अपने से रिलेट कर लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला डिजिट आर से एस बढ़ाया गया, यानी कि प्लस वन बढ़ा दिया है। उसके बाद एल से एम एक बढ़ा गया, फिर से डी से ई एक बढ़ा, और वाई से जेड, यानी सभी में जो है प्लस वन कर दिया गया है, तो हमें ये संख्या मिल गया। उसी प्रकार हमें नीचे ऑप्शन में देखना है कौन किसमें जो है प्लस वन करके बढ़ाया गया है। अगर पहले ऑप्शन में देखें पी से यहाँ पर जेड, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सी के बाद यहाँ पर डी है, एक बढ़ा टी, ठीक है, पी से क्यू एक बढ़ा, ठीक है, एस से टी बढ़ा, एफ से जी बढ़ा, यानी पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो हमें पैटर्न को पूरा करना है, तो कौन सा फिगर जो यहाँ पर लेंगे इस पैटर्न को पूरा कर देगा। सबसे पहले इसको जूम कर ले, तो उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर पैटर्न हमने पूरा कर लिया, अगर इसको पूरा करेंगे तो ये विड्थ वाला पार्ट इतना आ जाएगा, और इधर से जो इतना वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर कवर कर जाएगा। और बीच में ध्यान से देखेंगे तो सभी में जो एक वृत्त दिया गया और उसको कट कर दिया गया, यानी कि बीच में एक वृत्त आएगा और इसको हम कट कर देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी तरह इसको मैच करके इसको राउंड में मिला देते हैं, इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया। अगर पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर इतना कट रहा है बिल्कुल, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, और बीच में एक जो फिगर दिया गया इसमें जो कट किया गया है, यानी पूरी तरह मैच करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या दिया गया है, कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं। अगर हम यहाँ पर पहाड़ को हम पी से बना लेते, ठीक है, पहाड़ को पी लिख लिए, तो जो पहाड़ जो है रेगिस्तान नहीं है, यानी कि रेगिस्तान को हम अलग बना लेंगे और इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, दूसरा क्या कहा गया है, कोई रेगिस्तान रेतील, कुछ रेगिस्तान जो है रेतीले स्थान है, यानी कुछ रेगिस्तान वाला पाटा क्या बोला गया है, रेतीले स्थान, यानी कि रेगिस्तान जो है रेतीला स्थान है, रेतीला को हम आरटी डिनोट करेंगे, ठीक, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा कहा गया है, कुछ रेतीले स्थान जो है पहाड़ नहीं है, नहीं बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ये वाला पार्ट जो है किसका बोला गया, पहाड़ नहीं है, यानी इसको हम कट कर देते हैं, यानी कि नहीं रिलेशन बोला गया है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, यानी कुछ रेगिस्तान ये वाला पार्ट बिल्कुल पहाड़ नहीं, क्योंकि दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ रेतीले पहाड़ स्थान जो है पहाड़ है, यानी इसके बारे में बोला गया है, लेकिन ऊपर में कथन में कहा गया नहीं है, तो कैसे सही हो जाएगा, ऊपर में कथन में कह रहा है नहीं और नीचे कह रहा है, यहां पर बता रहा है कुछ होगा, इसलिए दोनों का बीचों विरोधाभास हो रहा है, यानी ये दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी केवल इसका हमारा एक सही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आता है एक बार रिपीट जरूर करिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, उसका टाइमिंग आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग को हम देख लेंगे आपको किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है, उसका जो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको बढ़िया सबको समझा देंगे।
आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए। बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ दशमलव भिन्न सरलीकरण औसत यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है 2024 2023 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया उसके बाद जो इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए उसके बाद जो इसका डिटेल सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा जो आपको बहुत ही तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक भी आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग और सामान्य ज्ञान का अलग जो है ये सभी सेपरेट बुक है। ये सभी जो लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है जो आप chakshubook.com फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताया गया है इसका संबंध जो है यहाँ पर 128 से है, इसका संबंध यहाँ पर जो है 117 से है और इसका संबंध हमें बताना है कैसे होगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टार हैच और एट द रेट दिया गया और इन सभी का वैल्यू जो हमें डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसी प्रकार कुछ होगा जो यहाँ पर 128 है। यानी आपको सोचना पड़ेगा जी यहाँ पर क्या होगा जिस यहाँ पर 128 आ जाएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, अगर हम स्टार के जगह पर क्या कर सकते हैं जी यहाँ पर 128 ला सकते हैं। अगर इसको हम प्लस कर दें क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और डिवाइड तो ये होगा नहीं इसलिए हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगर माइनस का चिन्ह डालेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा इसलिए हम प्लस पहले करके देखते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 59 जोड़ेंगे तो टोटल ये 110 119 हो जाएगा। उसके बाद क्या है हैच है, अगर 119 हम 128 के पास जाना है तो 45 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, अगर यहाँ पर देखिए एडरेट भी बचा हुआ है, अगर 45 हम इसमें एडरेट के जगह पर डिवाइड डाल दे तो यहाँ 5 से 45 9 मरते हुए कट जाएगा और हैच के जगह पर भी प्लस कर देते हैं यानी टोटल 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर पूरी तरह मैच कर रहा है। चलिए इसी प्रकार फॉलो करके देख लेते हैं इसमें आंसर आ रहा है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टार के जगह पर हमने क्या किया है, स्टार के जगह पर हमने प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर हैच के जगह पर हमने किया है, यहाँ पर भी हमने प्लस किया है और उसके एडरेट के जगह पर जो है हम इसको डिवाइड बना दिए हैं तब हमारा आंसर आया। उसी प्रकार इन सभी को फॉलो करके यहाँ पर कर दें तो 79 में हम अगर हम 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 83 110 यानी 110 हम से कम करेंगे तो 109 हो जाएगा। उसके बाद हैच के जगह पर फिर से हम जोड़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर डिवाइड कर लेते थे 20 में 10 120 से कितना जाएगा 6 मरते हुए चला जाएगा यानी 6 यहाँ पर जोड़ देंगे 109 और 6 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। 115 कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको माइंड में फटाफट सोचना पड़ता है जो यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है वहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा जो आंसर हमारा सही हो जाए। 6 नंबर क्वेश्चन जो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज रूप में क्वेश्चन दिया गया है, एम के बाद यहाँ पर भी है यानी भी कितना बढ़ाया गया, एम का होता है 13 और भी का होता है 22 यानी कि टोटल 9 बढ़ाया गया। भी से यहाँ पर ई देखिए तो कितना बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर भी टोटल 9 बढ़ाया गया यानी कि सभी में जो है पहला डिजिट में 9 बढ़ा दिया गया यानी कि लास्ट में क्या है एन, एन से हम 9 बढ़ा देते हैं, एन का 14 होता है 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 23 किसका होता है डब्ल्यू का होता है। डब्ल्यू किस में दिखे, दो ऑप्शन में दिया गया यानी हमें इसी दोनों को चेक करना है। अब अगला चेक कर लेते हैं आर के बाद यहाँ पर ए है 18 आर का 18 होता है और एक ए होता है यानी कि 18 से कितना प्लस किया गया है, यहाँ पर भी 9 बढ़ाएगा यानी कि दूसरे डिजिट में भी 9 बढ़ाया गया यानी कि लास्ट में क्या है एस से भी 9 बढ़ा जाते हैं, एस का हो जाएगा 19 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 28 तो यानी नहीं जाना है हमें तो 26 तक जेड मिल जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 किसका होता है बी का होता है यानी डब्ल्यू बी कहाँ पर है, डब्ल्यू बी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपल सा है जो सभी डिजिट में 9 आगे बढ़ा दिया गया है तो हमारा आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिगर के दाएं ओर दर्पण रख दिया गया और इसका फिगर हमें बताना है तो सिंपल इधर की ओर रखा गया यानी सभी पलट जाएगा इधर की ओर से। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो दिया गया है ये इधर की ओर से आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है ये सभी इधर की ओर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। चलिए इतना हम देख लेते हैं, सभी को आपको ऊपर ध्यान रखना है और नीचे मैच करते जाना ऑप्शन भी। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट इधर की ओर आ रहा है यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठीक है और ये जो एन जेड टाइप का बन रहा है भी वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो है ये भी ठीक दिया गया है। लेकिन अगर पहले ऊपर वाले में देखें आधा हिस्सा वाले में इसमें एक छोटा सा जो एच टाइप का आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पर कट किया गया है, ये पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर कट करना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इधर की ओर आया बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर दो रेकरिंग भी ठीक है और यहाँ पर एन जैसा बन भी रहा है और एक यहाँ पर कट भी लगाया गया है यानी और उसके बाद जो है यहाँ पर ये दो कट जो है यहाँ पर है इसको इधर घुमा करके इधर यह किया गया है यानी पूरी तरह से अच्छे से मैच करने के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है नहीं तो इसके कारण आपको गलत हो सकता है, इसलिए आपको इसको क्वेश्चन को आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते रहना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है इसे किस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले अगर पहला ऑप्शन देखे तो इस प्रकार से अगर देखिए इसमें मैच करता है कि नहीं, अगर ध्यान से देखें इसमें थोड़ा सा तिरछा दिया गया है। उसके बाद जो है यहां पर देखें
यहाँ पर तिरछा आ गया, उसके बाद एक छोटा सा जो यहाँ पर कट ऐसा किया गया है बिल्कुल है, और उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद एक छोटा सा इधर की ओर किया गया है, यानी यह पूरा जो फिगर जो है इस प्रकार हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर क्वेश्चन देखिए, छह घर नीला हरा लाल पीला नारंगी बैगनी घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें जो घेरा बोला गया इसमें टोटल छह सीट होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, और सभी आमने सामने बनाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। पहले कहा गया नीला घर जो है हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और नारंगी घर के विपरीत में है, यानी सबसे पहले कहा गया नीला घर जो है हरे घर के दाईं ओर, यानी हरे घर को हम यहाँ पर एस से लिख लेते हैं, हरे घर के दाईं ओर इधर की ओर होगा दूसरे स्थान पर, यानी कि नीला वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया जो नीला घर जो है नारंगी घर के विपरीत में, यानी कि इसके विपरीत कौन है, तो यहाँ पर नारंगी को हम ओ से लिख लेते हैं ऑरेंज से, नहीं तो यहाँ पर एन एन कॉमन हो जाएगा, इसलिए हमने ऑरेंज इसको कर दिया। अब कहा गया पीला घर जो है लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में, यानी यहाँ पर ऑरेंज नारंगी है और इसके किसके बीच बोला गया है पीला, यानी कि येल्लो को यहाँ पर डाल देते हैं और रेड को जो है सॉरी यहाँ पर येल्लो यहाँ पर आ जाएगा और रेड यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रेड और ऑरेंज के बीच में येल्लो बोला गया, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे कहा गया है बैंगनी घर जो पीले घर के विपरीत स्थित में, यानी इसका विपरीत कौन है यहाँ पर है, यानी यहाँ पर बैंगनी को हम भी से लिख लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है, पूछा क्या गया है नीला घर का ठीक दाएं ओर, नीला घर का ठीक दाएं ओर रेड वाला है, रेड कहाँ पर है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, वो भी एनालॉगी के रूप में। सबसे पहले देखिए कंप्लीट को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, पोजीशन को इस प्रकार लिखा गया, तो ट्रॉपिकल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर ध्यान से देखिए कंप्लीट में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर है, अगर ध्यान से देखें तो सीओ को देखिए उसी प्रकार रहने दिया गया है दो वाले डिजिट को, उसके बाद एमपी को जो क्या किया गया है दो स्थान आगे बढ़ा दिया गया है। अगर एमपी से पहले देखें यहाँ पर टीई लिखा गया, टी कहाँ से आ गया सबसे लास्ट से आ गया, यानी कि सीओ तो रहने दिया गया और लास्ट वाले को टीई को लिख दिया, उसके बाद जो है एमपी लिख दिया, उसके बाद क्या किया बचा जो एलई उसको आगे कर दिया, यानी एलई को यहां पर डाल दिया, समझ रहे हैं बात को, यानी कि टोटल इसमें कितना है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी 8 डिजिट है, यानी पहले वाले को जो है हमें सेम रहने देना है, यानी इसका हमें बताना है तो टी आर को सबसे पहले सेम रहने देना है, और जो उसके बाद दो डिजिट जो है ओपी को इसको दो आगे स्थान आगे और बढ़ाना, यानी दो स्थान छोड़ देंगे और दो स्थान आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ओपी यहां लिख देंगे। अब जो है यहां पर क्या करना है, जैसे ये दोनों स्थान खाली है तो यहाँ पर कौन हमने डाले हैं लास्ट वाले को, तो लास्ट में इसमें यहाँ पर ए एल है, यानी ए एल यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बचा कौन सा पी आई, पी आई को यहाँ पर डाल देंगे, जिस प्रकार हमने पहले ऑप्शन में फॉलो किया है सेम उसी प्रकार इसमें फॉलो करेंगे। इसका मैच कहाँ पर कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है रैंकिंग में सभी को बैठाना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में सभी 5-5 को रहने दीजिए, उसके बाद जो 4-1-2 है, यानी कि इन दोनों को मैं चेक करना पड़ेगा पहले कौन होगा 4-1-2। सबसे पहले तीनों में देखो तो एम आई एस है, उसके बाद इसमें टी है, उसके बाद दूसरे वाले में भी एस है, उसके बाद ऊपर वाले में भी एस है, अगर इसमें देखें तो डबल एस, इसमें भी डबल एस, और इसमें जो टी है यानी टी तो होगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को चेक करिए इसमें कौन होगा, इसमें जो है एस के बाद ई दिया गया, यानी कि पहले जो है दो वाला आ जाएगा, 5 के बाद जो है 2 होगा, 5 के बाद 2 कौन है ऑप्शन में, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। बस इतना ही चेक करना है, पूरा चेक करने से नहीं बैठ जाएगा, नहीं तो वो टाइम बर्बाद होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर फिल करना है जो कौन सा यहाँ पर जो है डिजिट आएगा। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, इसको जूम कर लेते हैं, अगर ध्यान से देखें तो इसमें डिजिट क्या है, एम एन ओ पी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एम एन ओ पी, फिर से एम एन ओ पी, फिर से जो है एम एन ओ पी, यानी कि टोटल जो इसमें एम एन एम एन ओ पी, यानी कि इतना ही फिल होगा, यानी बाकी जो ऑप्शन बचा हुआ है जहाँ पर नहीं है वहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो कंप्लीट है, यहाँ तक ओ पी हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा एम एन ओ पी होता है, यानी कि एम यहाँ पर आ जाएगा, उसका ओ पी कंप्लीट होगा, फिर से यहाँ पर एम आ जाएगा, ओ एन ओ पी कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा एम के बाद एन हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, यानी डबल एम और एन पी कहाँ पर है ऑप्शन में देखिए, डबल एम और एन पी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। अगर पहला ऑप्शन में देखें सभी में जो एरो यहाँ पर टोटल 4 दिया गया है, इसमें यहाँ पर एक कम करके एक ऊपर वाला फिगर चेंज कर दिया गया, अब इसमें जो है इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 3 जो है एरो ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में जो है यहाँ पर डबल वृत्त डाल दिया गया, पहले में इसमें 1 डाला गया उसके बाद में 2 डाला गया, अब इस वाले में देखिए तो 2 एरो बचा और इसके बाद जो है यहाँ पर 3 एरो डाल दिया, यानी इस वाले फिगर में जो आएगा वो 2 एरो तो होगा नीचे में, लेकिन जो है इसमें 2 ऊपर से जो है इस प्रकार का दोनों साइड से वृत्त बन जाएगा, यानी टोटल 4 वृत्त होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते कहाँ पर है, पहला ऑप्शन में ये दोनों ठीक है लेकिन नीचे में बना दिए इसलिए गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा देगा इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा 3 दिया इसलिए गलत, बचा कौन सा ऑप्शन, बचा 1 ऑप्शन जो यही सही हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए तो अगर इधर की ओर से देखें तो यहाँ पर छोटा डिजिट है, सबसे पहले आपको छोटा डिजिट से स्टार्ट करना है। कभी इधर से छोटा रहे तो इधर से करिएगा, नहीं तो इधर से करिएगा, ठीक। यहाँ पर 1237 कैसे हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद ही हमें बताना है। अगर यहाँ पर देखें 324 से 972 कैसे आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि सभी में जो 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी हमें 36 के बाद बताना है, तो 36 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको इसके जगह पर चेंज करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, और सभी ऑप्शन को बारी बारी से लेना है और यहाँ पर सेटिस्फाइड कराना है जो कौन सा सही हो जाएगा। ये आप खुद से कर लीजिएगा, बॉडमास नियम है, सभी लोग को आता ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए 75 से 77 कैसे हो गया, 2 बढ़ गया। 77 से 81 कितना हो गया, 4 बढ़ गया। 81 से 89 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 89 से 105 कितना हो रहा है, यहाँ पर 16 बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखिए तो सभी दोगुना हो रहा है, 2 × 2 = 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, यानी कि 16 का दोगुना क्या हो जाएगा, 32। यानी कि हमें 105 से 32 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट देखिए 5 और 2 = 7, 7 यूनिट डिजिट कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीरज, इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल 5 सीट होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पर हम बना लेते हैं 5। अब जैसे जैसे बोला गया है उसी प्रकार फॉलो करेंगे। यहाँ पर कहा गया चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगर यहाँ पर हम मान कर चले चेतन यहाँ पर डाल दिए और जो है धीर के बीच में, धीर यहाँ पर हम डी से लिख लिए, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति कोई होगा, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे कहा गया है भीम जो धीर के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, धीर के बाएं बोला गया, धीर के बाएं इधर से होगा, अगर यहाँ पर दूसरे स्थान पर तो यहाँ पर आ रहा है, इसलिए दोनों का हमें स्थान चेंज करना पड़ेगा। धीर और जो चेतन का स्थान चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम धीर के जगह पर चेतन और चेतन का जगह पर धीर को डाल दिए, यहाँ पर हो गया और ये चेतन यहाँ पर हो गया। अब कहा गया है धीर के बाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि इधर की ओर जाएगा बाएं ओर, यानी दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, भीम, भीम को हम बी से लिख लेते हैं। अब आगे कहा गया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर दूसरे स्थान बैठा दिया अनुज जो है भीम के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, भीम के ठीक दाएं, यानी भीम के ठीक दाएं कौन यहाँ पर है, अनुज आ जाएगा। अब ये हो चुका है, अब एक स्थान बचा हुआ है, एक स्थान कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में पढ़िएगा तो इमरान दिया गया, यानी कि इमरान ये वाला स्थान आ जाएगा। अब ऑप्शन में किसके बारे में पूछा गया, चेतन का ठीक दाएं ओर, चेतन का ठीक दाएं ओर कौन बैठा हो, इमरान बैठा हो, सॉरी यहाँ पर देखिए बाएं ओर हो जाएगा, ये जो है भीम बैठा हुआ है, भीम कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर खुद को एंजम्पशन कर ले तो केंद्र की ओर देखिए तो आपका दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर हमने गलत से बोल दिया, यहाँ भीम ऑप्शन जो है मैं दाएं बारे में पूछा गया, इसलिए भीम बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है, कैप्ट को 52 लिखा गया है, लैक को 27 लिखा गया, तो लाइन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको कोडिंग जो है नंबर याद रहना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम सिंपली जोड़ कर देखते हैं तो आता है कि नहीं, के का कितना होता है 11 होता है, उसके बाद जो है ई का 5 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा और टी का जो 20 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 52 ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सिंपली से ऐड कर देना है। तो हमें किसके बारे में पूछा गया, लाइन के बारे में, तो लाइन का ऐड कर लेते, एल का हो जाएगा 12, आई का 9, एन का 14 और ई का 5, इन सभी को ऐड करेंगे तो 40 बनेगा, 40 कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले इसमें एक एरो, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, अगले वाले में जो है टोटल 5 एरो आएगा। अब देखिए वो कैसे एरो होगा वो देख लीजिए, सबसे पहले वाले में ऊपर की ओर एरो है, अगर दूसरे ऑप्शन में देखें तो एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। अब तीसरे ऑप्शन में देखें यहाँ पर जो एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है, लेकिन तीसरा स्थान पर एक नया आ गया, मान के चलिए यहाँ पर जो है ऊपर वाला आ गया, यानी कि एक ऊपर रहना चाहिए एक नीचे रहना चाहिए, इन सभी को हमें ध्यान से रखना है। यानी यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन अब नीचे की ओर एरो यहाँ पर है तो अगले वाले में जो एक एरो ऊपर की ओर होना चाहिए, इस प्रकार हमें इस वाले ऑप्शन में चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अगर पहले वाले में देखें तो यहाँ पर ऊपर की ओर बिल्कुल ठीक है, नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है और यहाँ पर एक नया आ गया, यानी यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, टुवार्ड्स को इस प्रकार लिखा गया है, सॉरी टुवार्ड है, उसके बाद वांटेड को इस प्रकार लिखा गया, तो हमें बताना वारंट को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए तो वारंट में भी वही डिजिट जो इन दोनों में दिया गया, यानी कि इसी में से हमें लेना है वारंट का। सबसे पहले डब्लू का देखिए क्या लिखा गया है, डब्लू का जो यहाँ पर 2 लिखा गया, यानी कि डब्लू का 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ए देखिए ए कहाँ पर है, ए जो है इसमें दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर 1 दिया गया, 2 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें आर का चाहिए, आर कहाँ पर, इसमें देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पर आर का दिया गया, यानी कि 4 दिया गया, 2 × 1 = 4 हो जाएगा। अब फिर से डबल 4 हो जाएगा, यानी कि डबल आर है, फिर से 1 है, ए का 1 लिख लेते हैं। उसके बाद एन का क्या है, एन कहाँ पर है, देखिए वांटेड में तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर यहाँ पर 3 है, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद टी कहाँ पर है, टी जो है वांटेड में एन के बाद है, यानी कि एन के बाद कहाँ पर है, 9 है, यानी कि 9 लिख लेते हैं। इस सभी का मैच कहाँ पर कर रहा है, तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है।
और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितना लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं। इसी के चेक करने के लिए आपको डेली जो है एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाएगा और इसका जवाब आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो लोग कमेंट करेंगे पहला कमेंट उस लोगों का पिन किया जाएगा, इसलिए आप जो अगर पढ़ते हैं रीजनिंग तो देखते हैं आपके रीजनिंग में कितना दम है। इसलिए हर रोज आपको डेली जो है एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा खुद से करने के लिए और इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है दिल से तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों को आपको पढ़ाई शुरू कर देना है। इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। आपको चैनल पर रीजनिंग के सोल्यूशन साथ में जीएस साथ में हिंदी ये तीनों जो सेक्शन आपको करा दिया जाएगा और मैथ आप अपने तैयारी बता देंगे आपको कैसे करना है वो आप कर लीजिएगा। और जो बुक का बाय लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। और इन सभी के पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तब जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।